हेलो एवरीबॉडी नमस्कार वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यह है टेस्ट करंट अफेयर्स के लिए फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ में कॉन्सिडर फर्स्ट स्टेटमेंट जैकसाज हैबूसा टू मिशन के बारे में है इट वॉज एस्टेरॉयड योगो एंड ब्रिंग बैक सैम्पल्स ऑफ दैट एस्टेरॉइड सेकेंड वन ऑफ दब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग एस्टेरॉयड प्लेनेट अर्थ थर्ड हेबूजा टू मिजन इज फर्स्ट एवर सक्सेसफुल मिशन टू ब्रिंग पार्टिकल्स ऑफ एन एस्टेरॉयड बैक टू दी प्लेनेट अर्थ तो करेक्ट स्टेटमेंट्स देखें कौन से इसमें सोचिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए वन एंड टू आर करेक्ट इसमें है जो है यह जो एस्टेरॉइड है योग उसको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है टू स्टडी और ये ब्रिंग बैक सैम्पल्स टू दैट एस्टेरॉयड ये जो है उस एस्टेरॉयड के सैम्पल ले के आ रहा है ठीक है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द यू नो स्टडिंग दस्टेरॉयड इज टू फाइंड क्लूज फॉर दी ऑरिजन ऑफ़ दी सोलर सिस्टम इसके क्या ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द क्लूज फॉर दी ऑरिजन ऑफ दी सोलर सिस्टम एंड दी लाइफ ऑन दी प्लैनेट अर्थ ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है या भूषा टू मिशन के जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे इसके

ये साइंटिस्ट विल नाउ स्टडी एंड कॉन्टेंट्स ऑफ द कैप्सूल टू फाइंड आउट अबाउट द ऑरिजन ऑफ द एस्टोरॉइट्स ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर एंड हाउ दीज आर रिलेटेड टू लाइफ एंड ओशन वाटर ऑन अर्थ ठीक है साइंटिस्ट है इट कुड प्रोवाइड क्ल्यूज टू द दरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम साइंटिस्ट के मुताबिक यह जो जो एस्टोरॉइट के सैंपल्स लेके आ रहे हैं इससे हमें क्ल्यू मिलेगा ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के संदर्भ में एंड द लाइफ ऑन आवर प्लेनेट साइंटिस्ट सेट दैट देर आर ट्रेसेज ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर इन दस्टेरॉइड सोलर ये सॉइल सैंपल्स कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर पाया गया है जो ये सैंपल्स लेके आ रहे हैं ठीक है तो यह है जो हैयाबूसा टू मिशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखनी है अब क्वेश्चन टू देखेंगे कॉन्सिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट जिसमें फर्स्ट है बांग्लादेश रीलोकेटेड रोहिंग्या रोहिंग्या रिफ्यूजीज एट एन आईलैंड कॉल्ड भाषानचार विच इज वलनरेबल टू फ्लडिंग ज्यूरिंग मॉनसून सेकेंड रोहिंग्या रिफ्यूजीज कैम फ्रॉम म्यांमार विच इज सेट टू हैव कमिटेड वार क्राइम्स अगेंस्ट द रोहिंग्याज थर्ड बांग्लादेश नॉट रिकोगनाइज रोहिंग्या रेफ्यूजीज रादर कैटेगराइज दैम एज स्टेटलेट पीपल तो विच ऑफ दर करेक्ट सोचिएगा तो इसका ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दर करेक्ट जिसमें ये देखिए रोहिंग्याज के बारे में तो यह भी बांग्लादेश ने जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज है इन्हें बासानसार आइलैंड पे लोके, री लोकेट रीलोकेट किया है ठीक है और रोहिंग्याज कहाँ से आए हैं म्यांमार से बिकॉज म्यांमार में इनके अगेंस्ट में और क्राइम्स हुई थी ठीक है और जो बांग्लादेश हैज़ नॉट रिकोगोगनाइज रोहिंग्याज एज रिफ्यूजीज ये याद रखना है बांग्लादेश ने अभी तक रोहिंग्याज को रेफ्यूजीज़ नहीं बोला है तो उसने क्या कैटेगराइज़ किया है बांग्लादेश रोहिंग्याज को स्टेटलेस पीपल कहता है ठीक है तो ये याद रखना है दैट बांग्लादेश हैज़ नॉट रिकोगोगनाइज रोहिंग्याज एज रेफ्यूजीज़ नाउ लोकेट इट्स एक्सप्लेनेशन बांग्लादेश बिगन रिलोकेटिंग रोहिंग्याज फ्रॉम रिफ्यूजी कैम्प नियर रुखिया इन कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश टू बसानचार एंड आईलैंड इन बे ऑफ बंगाल ये बसानचार आईलैंड कहाँ है वे ऑफ बंगाल बांग्लादेश का है ये देखिए रोहिंग्या रोहिंग्याज आर दी मेम्बर्स ऑफ ए मुस्लिम मेनॉरिटी फ्लैट नेबरिंग म्यांमार इन टू ओ सेवेंटीन ड्यूरिंग म्यांमार आर्मी क्रैक डाउन अगेंस्ट ए ग्रुप कॉल दराकान रोहिंग्याल आर्मी विच म्यांमार सेट वॉज ए इस्लामिट टेरिस्ट ग्रुप यूएन एन अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमिटी यूएन ने एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमिटी अपॉइंट की थी रोहिंग्यास को लेके एंड इट सेड दैट दी ऑल ऑल्स ऑन रोहिंग्या मैन विमन एंड चिल्ड्रेन ड्यूरिंग ऑगस्ट टू सेवेंटीन ऑपरेशन इंक्लूडिंग देअर इनडिसक्रिमिनेट किलिंग राइज टू दी लेवल ऑफ बोथ वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी तो ये रोहिंग्याज के इशू को आ, क्या बोलते हैं इशू के लिए एक यू ने कमिटी गठन किया था इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट

हालांकि इनके लिए फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की व्यवस्था की गई है परंतु जो बांग्लादेश ने अभी तक इन्हें बांग्लाज का दर्जा नहीं दिया है बांग्लादेश अभी भी इन्हें स्टेटलेस पीपल कहता है है तो ये जो है ये जो पैसा बांग्लादेशी रुपया इसका यूज अभी तक नहीं कर सकते हैं ठीक है राइट नाउ right तो यह है रोहिंग्यास की अभी प्रेजेंट में कंडीशन एंड ऑल तो ये बासंतल आइलैंड आए, याद रखना है और ये याद रखना है कि दैट बांग्लादेश ने अभी तक इन्हें रेफ्यूजीज नहीं बल्कि स्टेटलेस पीपल कहा है ठीक है और ये यूएन की जो कमेटी थी इंडिपेंडेंट

to live with the tribe and experience their language culture and food this will make the tribe economically independent to so, correct statements kaun se is tribe ke bare mein dekhiye yahan correct option hai c both of the statements are correct to so, dekhenge tharu tribe ke bare mein dekhenge yeh kaun hai जो Theravada Buddhism है उनके followers उन्हें कहा गया है Tharu tribes, ठीक है ये उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश government ने अभी एक tourism scheme की है इन इन लोगों के लिए जिसमें जो अदर uh, पीपल है आउटसाइड पीपल वह इस ट्राइब के साथ uh, रह सकते हैं और उनकी लैंग्वेज कल्चर एंड फूड वगैरह जो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो इससे क्या होगा ये ट्राइब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी ठीक है ये ट्राइबल uh, ये टूरिज्म स्कीम किया गया है इसके लिए तो थारू ट्राइब के बारे में ये ये देखेंगे एक्सप्लेनेशन में इसका थारू कम्युनिटी बिलोंग टू दी तराई लो लैंड तराई में पाई जाती है अमिर दी शिवालिक्स और लोअर हिमालयाज मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेस्ट डोलर्स and some also practice agriculture. the word tharu is believed to be derived from stavir, meaning followers of the theravada buddhism. and the tharus live in both india and nepal. and in, in indian terai, they live mostly in uttarakhand, uttar pradesh and bihar. the uttar pradesh government has recently embarked upon a scheme to take the unique culture of its ethnic tharu tribe across the world. The intention is to put Tharu villages on the tourism map and to create jobs and bring economic independence to the tribal population. Uh, the state government is working to connect Tharu villages with the homestay scheme of the UP Forest Department. And the idea is to offer tourists an experience of living in the natural Tharu habitat in traditional huts made of grass collected mainly from the forests. Once they are part of this scheme, the Tharu villages will not

ये देखिए ये एक वेव उसके रूप में टारगेट किया जाता है जी, आ, ये जो हवाना सिंड्रोम है ठीक है इसमें सोनिक लेजर और एनर्जी वेव्स ओके तो ये याद रखना है ये न्यूरोलॉजिकल इलनेस है तो इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं नियरली फोर इयर्स आफ्टर ए मिस्ट्री न्यूरोलॉजिकल इलनेस रेफर टू एज जवाना सिंड्रोम और स्टार्टेड टू एफ्लिक्ट अमेरिकन डिप्लोमेट्स

माइक्रोवेव वेपन्स ये क्या है माइक्रोवेव वेपन्स आर सपोज टू बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स विच आई एम हाईली फोकस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोनिक लेजर माइक्रोवेवस एट ए टारगेट तो ये माइक्रोवेव वेपन्स है ठीक है ये माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है जो क्या यूज करते हैं सोनिक लेजर एंड माइक्रोवेवस पीपल एक्सपोज टू हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव पलसेज है क्लिकिंग और और बजिंग साउंड एज इफ स्विमिंग टू बी कमिंग फ्रॉम विद इन देयर योर हैड ठीक है हेड में से आवाज आती है बजिंग और ये टाइप की इट कैन ऑफ फिजिकल डैमेज नहीं होता परंतु लॉन्ग टर्म इफेक्ट्रोम एक किसी के बॉडी में छोड़ देता है तो हवाना है, सिंड्रोम के बारे में okay? याद रखना की वजह से अब क्वेश्चन फाइव देखिएगा कॉन्सिडर दिच ऑफ देखिए वन यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स सी एनडी रीटली टू रिमूव

डब्ल्यू टी डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि जो ये कैनाबिस नाम से ये, जो ये ड्रग है इसको रिमूव करना है मोस्ट डेंजरस कैटेगरी से ठीक है मोस्ट डेंजरस कैटेगरी से रिमूव करके इसको किस में रखना है लिस्ट डेंजरस कैटेगरी में तो देखिएगा ठीक है इन डिसीजन दैट कुड इन्फ्लुएंस द ग्लोबल यूज ऑफ medical marijuana the united nations commission on narcotic drugs recently voted to remove cannabis cannabis resin from schedule 4 of the 1961 single convention of narcotic drugs decades after they were first placed on the list global attitude towards cannabis have changed dramatically with many jurisdictions permitting cannabis use for recreation medication or both despite it remaining on uh, schedule 4 of the un list currently over 50 countries currently over 50 countries allow medicinal cannabis programs and its recreational use has been legalized in canada, uruguay and 15 u.s. states as per the un news. legalized canada, uruguay and 15 u.s. states. में. according to who, cannabis is a generic term used to denote the several psychoactive preparations of the planet cannabis sativa. Uh, the major psychoactive constituent in cannabis is delta-9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबी टी एच सी याद रखना है डेल्टा नाइन टेट्रा हाइड्रो कैनाबी नॉल एट इट सिक्सटी थर्ड से फिफ्टी थ्री मेबर सी एन डी है फ्रॉम टू टू रिमूव कैना फ्रॉम इट्स मोस्ट डेंजरस कैटेगरी विद ट्वेंटी सेवन मेबर स्टेट्स वोटिंग इन फेवर एंड ट्वेंटी फाइव अगेंस्ट एंड वन एबसे dangerous कैटेगरी तो याद रखना क्या है कि भी इसको most dangerous category, category से least dangerous category में अभी डाला गया है ओके और ये क्या है ये एक uh, psychoactive है और इसके बारे में याद रखना ये जो डेल्टा टेट्राहाइड्रो कैनाबिली एच सी question क्वेश्चन देखिए सिक्स लास्ट क्वेश्चन statements. फर्स्ट है एन कैन नॉट वोट इन इंडिया अंडर द करंट लॉज सेकेंड करंटली इंडिया इज द लार्जेस्ट डायोस्पोरा अराउंड द ग्लोब थर्ड एनआरआई वोटर्स ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ प्रॉक्सी वोटिंग इन एडिशन टू डेट ऑफ द वोटिंग इन पर्सन विच ऑफ दियर स्टेटमेंट गिवेन अब आर करेक्ट सोचिए तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ बी बी में क्या है टू एंड थ्री दैट करंटली इंडिया इज द लार्जेस्ट डायोस्पोरा अराउंड द ग्लोब याद रखना है एंड थर्ड में एनआरआई वोटर्स ऑल्सो है ऑप्शन ऑफ प्रॉक्सी वोटिंग इन एडिशन टू दैट ऑफ वोटिंग इन पर्सन सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है देखेंगे एंड एन आर आई के ये देखिए एंड एनआरआई कैन वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच हर प्लेस ऑफ रेसिडेंस एज इन मैं पासपोर्ट इज लोकेटेड ठीक है जो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी पासपोर्ट में लिखी है वहां वोट कर सकता है एनआरआई सी कैन ओनली वोट इन पर्सन And will have to produce a passport in the original polling station for a stabilizing identity. And according to a UN report of 2015, India's diaspora population is the largest in the world at 16 million people. And voting rights for NRIs were introduced only in 2011. Those are the words Through an amendment to the Representation of People Act 1950. इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 है, उसमें अमेंडमेंट लाया गया एंड एनआर को वोटिंग राइट्स दिए गए थ्री ऑप्शन में गई थी थ्री ऑप्शन थे वोटिंग बाई पोस्ट वोटिंग एट एन इंडियन मिजन अब्रॉड एंड ऑनलाइन वोटिंग ये तीन ऑप्शन पे डिस्कस करने के लिए एक तो वोटिंग बाई पोस्ट पोस्ट के द्वारा और एक वोटिंग एट इन इंडियन मिशन अब्रोड जो भी इंडियन की इंडिया इंडियन एम्बेसी होती है आ, उस आ, वहाँ पे एंड ऑनलाइन वोटिंग ये तीन इश्यूज पे ठीक है तो आ, 2015 में क्या हुआ इन 2015 थाउजेंड फिफ्टीन दैनल फाइनली रिकमेंडेड दैट एन आर आई शुड बी गिवन दी एडिशनल अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ ई पोस्टल बैलॉट एंड प्रोक्सी वोटिंग ये देखिए ई पोस्टल बैलॉट इलेक्ट्रॉनिक

And uh, that's all. Thank you.